हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिकाजी लर्निंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बाह्य विभाजन किस तरीके से किया जाता है, मतलब एक्सटर्नली हम किस तरीके से विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं किसी भी लाइन को, ठीक है। और जो पॉइंट उस लाइन को अगर डिवाइड करेगा तो उस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, मतलब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसका यूज़ करते हुए हम उसका जो भी कोऑर्डिनेट है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि विभाजन सूत्र होता क्या है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो क्लास है वो क्लास 11th में जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जो भी इंडियन नेवी SSR वगैरह की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो वो अच्छे तरीके से समझें, और मैं ये वादा करता हूँ कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे कम से कम काफ़ी सवाल आते हैं, ठीक है। तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी कि हाँ, इस तरीके के अगर हमने सवाल सीख लिए तो हम काफ़ी क्वेश्चन वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और जो 11th क्लास में वो तो इसको समझ ही सकते हैं, ठीक है, उनके लिए तो एक पर्टिकुलर चैप्टर ही है इसके ऊपर, और पूरा मतलब सही तरीके से पूरा डिस्क्राइब यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से पूरा सही तरीके से हम समझ पाएँ। तो दोस्तों, जो क्लास 11th के जो स्टूडेंट हैं वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो उसी के लिए है। तो हम किस तरीके से किस बाह्य विभाजन कर सकते हैं किसी भी रेखा का, किसी भी लाइन का, तो होता क्या है पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है, जो कौन से पॉइंट से होकर जा रही है, ए और बी से, ठीक है। अब हम कौन सा विभाजन देख रहे हैं, हम बाह्य विभाजन देख रहे हैं, मतलब एक्सटर्नली। बाह्य का मतलब क्या होता है, बाहर की ओर, ठीक है, और आंतरिक का मतलब क्या होता है, आंतरिक का मतलब होता है अंदर की ओर, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं कि आंतरिक विभाजन किस क्या होता है तो आप मेरी पहली वाली वीडियो देखिए, मैंने उस वीडियो को आई बटन के ऊपर दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं केवल ओनली बाह्य विभाजन, यानी एक्सटर्नली डिवाइड किस तरीके से किया जाता है। तो हमने एक लाइन ली और इस लाइन को हमें बाह्य विभाजित करना है, ठीक है। तो कैसे करूँगा, तो जो पॉइंट इसको विभाजित करेगा बाह्य रूप से, तो वो पॉइंट कहाँ पर होगा, वो इसके बाहर होगा, ठीक है, बाहर का मतलब इधर होगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है वो इस वाली लाइन को किस तरीके से विभाजित कर सकता है, तो देखो हम किस तरीके से विभाजित करेंगे। तो ये पॉइंट है, इसको मैं आगे की ओर ले जाऊंगा। अब मैं यहाँ तक की बात करूँगा, मतलब सी पॉइंट तक की मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो किस तरीके से मैं विभाजित करूंगा उसको, तो पहला जो रेशो बनेगा वो यहाँ से यहाँ तक बनेगा, मतलब M1। दूसरा रेशो कहाँ से बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो क्या होगा ये M2, ठीक है, M2 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक भी बोल सकते हैं अपन। और क्या करेंगे हम, M2 की जो वैल्यू है वो पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इसका मतलब क्या है, इतना अगर हिस्सा हमें बात करनी है तो मैं क्या करूँगा, पूरा यहाँ से लेके M2 कहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है। तो इतने वाले हिस्से को मैं क्या बोलूँगा, M2 - M1, क्या बोलूँगा, M2 - M1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट यहाँ से, एक रेशो यहाँ से यहाँ तक काम करेगा और एक रेशो यहाँ से लेके यहाँ तक काम करेगा, ठीक है। तो अगर इसको मुझे निकालना है तो इस वाले पार्ट को मैं कैसे निकालूंगा, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर है, और मेरे को यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पता है कि 6 मीटर है। तो अब मैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई फाइंड कर सकता हूँ कैसे, 10 - 6 तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी वैल्यू निकाल सकते हैं, M2 - M1, मतलब इस बड़ी में से, बड़े वाले पूरे मेजरमेंट में से, रेशो में से, वो यहाँ से यहाँ तक की मैं वैल्यू को माइनस कर दूंगा, अपने आप यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मुझे फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं फाइंड कर सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का रेशो। अगर मैं इस वाले उसकी बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि जो बी पॉइंट है वो ए और सी से मिलने वाली जो लाइन है उसको कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है, M1 और M2 - M1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें इसको बाहर रूप से विभाजित करना है, कौन से पॉइंट को, सी वाले। तो सी वाला पॉइंट क्या है, सी वाला पॉइंट ए बी को बाहर विभाजित कर रहा है, मतलब एक्सटर्नली विभाजित कर रहा है, डिवाइड कर रहा है,
ठीक है, तो इस वाले पॉइंट के हमें क्या करने हैं, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है। तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो उसको हम देखते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, तो जैसे हमने आंतरिक रूप से विभाजित करने पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया था, हमने प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ किया था। और बस केवल फ़र्क इतना है कि वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, प्लस की जगह हम माइनस का यूज़ करेंगे, बस केवल इतना ही फ़र्क है। तो x इक्वल टू क्या है, तो देखो लिखो एम एक्स माइनस एम एक्स अपॉन एम माइनस एम। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 1 2 2 1 1 2। ठीक है, तो इस तरीके से मैं x की वैल्यू फाइंड करूँगा, और y की वैल्यू मैं किस तरीके से फाइंड करूँगा, y इक्वल टू ऐसे लिखूँगा m बाय अपॉन m माइनस m, मतलब 1 2 2 1 1 और 2। ठीक है, तो इस तरीके से मैं y की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, केवल हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसमें केवल वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद हम उसको वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं जो इस किसी भी लाइन को बाहर विभाजित करता है, मतलब एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसका हमें यूज़ करना है इस तरीके के क्वेश्चन में। अब दोस्तों इस पर किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे उनको हम देखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड, तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, एक रेखा दो बिंदुओं 2 0 तथा 4 5 से होकर जाती है, यदि एक बिंदु इस रेखा को 3:2 मतलब 3:2 में बाहर विभाजित करता है, तो उस बिंदु को ज्ञात करो। तो हमें क्या दिया है, हमें पहली बार पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, हमें रेशो पता होना चाहिए, मतलब m1:m2 कितना दिया है, 3:2। ये 3:m1 और m2 3:2 ये मुझे दिया है। और मेरे को पहला पॉइंट क्या दिया है, मान लो यहाँ पर मैंने पॉइंट को, इनने बताया तो नहीं है कि पॉइंट का नेम क्या है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं, ए मान सकते हैं 2 0। ठीक है, और बी कितना दिया है, 4 और 5। तो इतनी भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए भी हमें जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और एग्ज़ाम देते हैं उस टाइम पर क्या होता है कि हमें इस सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें केवल उतनी ही चीज़ें लिखनी है जितनी हमें ज़रूरत है। ठीक है, ये फालतू की चीज़ें क्यों लिखना है, ये केवल उनके लिए है जो, जैसे मान लो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो उनको क्या एग्ज़ाम देना पड़ता है, हमें उन्हें पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखना है, तो इस तरीके से वो लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, हमें ओनली आंसर निकालना होता है, हमें आंसर बताना होता है, वो ये नहीं वहाँ पर हमें ये नहीं दिखाना होता है कि तुमने किस तरीके से सवाल को सॉल्व किया, नहीं, हमें आंसर चाहिए बस। तो किस तरीके से आंसर निकालते हो, वो उन्हें निकाल के टिक लगाओ केवल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक तरीका है, हाँ ठीक है हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए ये बेटर है। ठीक है, तो m1 m2 हमें रेशो दिया है, और a हमने पॉइंट मान लिया, b पॉइंट मान लिया, यानी ये x1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से हमने डोनेट कर दी। अब सीधे हमें फॉर्मूला लगाना है, x इक्वल टू की x की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, क्या लिखो, mx माइनस mx अपॉन m माइनस m, 1 2 2 1 1 2। ठीक है, अब वैल्यू रखो, m1 की वैल्यू कितनी है, 3 3, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 4 है। ठीक है, माइनस m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू 2 है, 2 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू 2 है। ठीक है, अपॉन में m1 की वैल्यू कितनी है, 3 3 माइनस 2, ये मैंने लिखा, 4 3 12, मतलब 4 3 12, 2 2 4 4 लिख दिया मैंने। ठीक है, 4 लिखने के बाद नीचे 3 2 गए तो कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, कितना आ गया, 12 4 गए तो कितने बचे, 8 बचे, ये 8 आ गया x की वैल्यू। ऐसे हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, m बाय माइनस m बाय अपॉन m माइनस m। ठीक है, 1 2 1 2 1 और 2। तो रखो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर m1 की वैल्यू हो जाएगी 3, मल्टीप्लाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। ठीक है, 5 माइनस, अब मैं क्या करूँगा, m1 और y2, m1 की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, सॉरी m2 की यहाँ पे आएगी, m2 और 2 1। ठीक है, तो m2 की वैल्यू कितनी होगी, m2 की वैल्यू होगी 2, तो ये 2 लिखा मैंने, और m वो y1 की वैल्यू कितनी होगी, y1 की वैल्यू होगी 0।
ये मल्टीप्लाई ज़ीरो कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई ज़ीरो मतलब, और एम वन की थ्री माइनस टू, ये टू लिखा, तो फाइव थ्री या फिफ्टीन मतलब पाँच थी या पंद्रह, और ये हो गया माइनस ज़ीरो। अब वन तीन में से कितना बचा, यहाँ पर हो गया वन, और पंद्रह में से जीरो गया तो फिफ्टीन बचा, अपॉन में वन बचा, मतलब फिफ्टीन आंसर आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आई 15 और x की वैल्यू कितनी आई 8। तो हमने क्या बोला कि जो वो वाला जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, होंगे उसके कोऑर्डिनेट 8 और क्या होगा 15, मतलब x की वैल्यू क्या है 8 है और y की वैल्यू 15 है। तो इस तरीके से हमने वो पॉइंट फाइंड कर लिया है जो इस रेखा को, इस पॉइंट से होकर, इन पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा को 3:2 में बाह विभाजित करता है। तो इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया कि एक पॉइंट किसी भी रेखा को बाह विभाजित करता है, तो उस टाइम पर हम किस तरीके से हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है बाह विभाजन, ठीक है, किस तरीके से हम एक लाइन को बाह विभाजित करते हैं और जो पॉइंट उसको विभाजित करता है उसको कोऑर्डिनेट हम किस तरीके से फाइंड करते हैं।